कि यहाँ पे शार्दुल ठाकुर के सामने शुभमन गिल काफी स्ट्रगल करते हैं। 18 गेंदों में 12 रन दिए शार्दुल ने शुभमन गिल को और उनका 2 बार विकेट भी निकाला है। हे गाइस, कैसे आप लोग, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। आपको इस वीडियो में बताना है फ्री में क्या मिलता है। एक्चुअली बहुत कुछ मेरे दोस्त, फैन टू प्ले पे पहले 4 गेम्स खेलो बिल्कुल फ्री। बस फैन टू प्ले ऐप डाउनलोड करो और खेलो IPL 2022 सिर्फ फैन टू प्ले पर। कि इस मैच को कौन सी टीम विन करने वाली है और सबसे इकोनॉमिकल बोलर कौन सा रहने वाला है, 2 चीजें आपको बतानी है। फिर से सुन लीजिए, आपको बताना है कौन सी टीम विन करने वाली है प्लस सबसे इकोनॉमिकल बोलर कौन सा रहने वाला है। टॉप 10 लोग जो सबसे पहले कमेंट करेंगे और जिनके आंसर करेक्ट होंगे उनको मिलेगा ₹100 का पेटीएम कैश। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको फैंटेसी की टीम भी बताऊंगा और आज कौन सी टीम विन कर सकती है वो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, बट आपको अपने हिसाब से आंसर करना है। सो गाइज, ये है मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। अगर हम बात करें मैच की, तो आज ये मैच खेला जाएगा 2 अप्रैल को 7:30 PM और वेन्यू होगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे। अगर हम बात करें वेन्यू की, तो देखिए इस वेन्यू पे स्पिन और पेस को लगभग बराबर मदद मिलती है, बट बैटर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। यहां पे बैटर्स आमतौर पे 170-180 लगा देते हैं, जो आप यहां पे पढ़ भी सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं आपको स्कोर्स के माध्यम से वो चीज बता दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम सबसे पहले देख लेते हैं, यानी कि प्लेयर बैटल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एंड्रिज नॉर्जे ने तिवतिया का 1 बार विकेट निकाला है। इसके अलावा खलील अहमद ने शुभमन गिल का 1 बार विकेट निकाला है। मुस्तफिजुर रहमान की जेसन रॉय ने काफी पिटाई करी है। मिश मार्स ने वेड का 1 बार विकेट निकाला है और कुलदीप यादव साहा से काफी पिटे हैं। तो ये कुछ स्टैट्स है जिनको आपको देखना चाहिए। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्टैट रहेगा अक्षर पटेल का, जिन्होंने विजय शंकर और राहुल तिवतिया दोनों के विकेट लिए और रन भी ज्यादा नहीं दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल होंगे गुजरात टाइटंस के बैटर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बोलर्स के। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन और गुजरात टाइटंस के बॉलर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ऋषभ पंत वर्सेस राशिद खान। राशिद खान ने देखिए 68 गेंदों में 2 बार विकेट निकाली है ऋषभ पंत की और 77 रन दिए हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद शामी वर्सेस पृथ्वी शॉ, 25 गेंदों में 34 रन देकर 1 बार इन्होंने विकेट निकाली है। वरुण अरुण ने मनदीप सिंह की 2 बार विकेट निकाली है। इसके अलावा फर्गसन ने टिम सीफर्ट की 1 बार विकेट निकाली है। फर्गसन ने पंत की भी 1 बार विकेट निकाली है और राशिद खान ने पॉविल की तो 2 बार विकेट निकाली है, रन भी नहीं दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल आपके लिए रहेंगे जो आपको इस मैच में देखने चाहिए। आगे हम बात करते हैं फैंटेसी टिप्स की। तो इस सीजन दोनों टीमों ने एक मुकाबला खेला है, तो उसमें प्लस की क्या परफॉर्मेंस रही है वो बस यहां पे लिखा हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए अगर आपने पुराना मैच मिस करा होगा तो। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स की। इस वेन्यू पे इंटरनेशनल लेवल पे 3 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 2 बैटिंग सेकंड ने जीते और एवरेज स्कोरिंग 153 की हुई है। हाईएस्ट स्कोर 201 का है इंटरनेशनल में। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक लेवल की बात करें, तो T20 डोमेस्टिक में आप देख सकते हैं 39 मैचेस हुए, 20 बैटिंग सेकंड ने जीते, एवरेज स्कोरिंग 159 के आसपास की है, बट पिछले 5-6 मैच देखेंगे तो 170-180 इजीली बनता है। अगर रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो देखिए उसमें पाया गया कि 14 टाइम्स ऐसा हुआ कि 150 से 169 का स्कोर बना, बट अभी हम रेंज जो पकड़ के चल रहे हैं 170-180 की चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड रहेगा वेन्यू पे। इसके बाद हम बात करते हैं वेन्यू स्कोर्स की। इस वेन्यू पे कितने हाईएस्ट स्कोर बने और कितने सक्सेसफुल चेजेस हुए। हाईएस्ट स्कोर्स के मामले में बात करें, तो 2018 में चेन्नई ने 211 बनाया था और जो हाईएस्ट चेज हुआ वो यहां पे किया था पुणे सुपर जायंट्स ने 2016 में 196 का। ये कुछ स्टैट्स हैं, इनको देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आपके पास रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आखिरी कुछ मैचेस इस वेन्यू पे देखें, तो देखिए 2018 के बाद 2022 में एक मैच खेला गया जो आपने देखा, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद का, जिसमें रॉयल्स ने 210 बना दिए थे और राजस्थान सनराइज हैदराबाद जो 149 ही बना पाई थी। राजस्थान उस मैच को 61 रन से जीत गई थी, बैटिंग फर्स्ट करके काफी बढ़िया रिजल्ट मिला था राजस्थान रॉयल्स को। उसके पहले 2018 में मैचेस हुए थे जो आमतौर पर चेजिंग टीम ज्यादा विन कर रही थी, बट अभी का जो है कंडीशन 4 साल के बाद, तो वो बैटिंग फर्स्ट को ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करते देखा गया। हालांकि टॉस के टाइम पे मैं आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए फेक चैनल बिल्कुल ज्वाइन मत कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे 55 या 56,000 के आसपास सब्सक्राइबर है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल, उसी पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए चैनल को। अगर आप सर्च करेंगे तो आप गलत चैनल से जुड़ सकते हैं और फिर आपका लॉस हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं रिसेंट टीम फॉर्म की, तो इसमें देखने को मिलेगा जीटी की टीम ने 1 मैच खेला, 2 जीत गई थी और डीसी की टीम भी 1 मैच जीत गई थी। अगर रिसेंट फॉर्म देखें, तो डीसी की टीम का ये फॉर्म है और जीटी की टीम अभी फॉर्म हुई, तो ये इनका ये फॉर्म है। रिसेंट फॉर्म दोनों टीमों का देखें, किस टीम के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो यहां से आप वो हिस्ट्री देख सकते हैं। अब देखिए गुजरात टाइटंस तो इसी साल आई है, तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बाकी दिल्ली कैपिटल्स की काफी अच्छी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं टीम हिस्ट्री की, तो टीम हिस्ट्री में देखने को मिलेगा कि दिल्ली कैपिटल्स ने 205 मैचेस खेले इस फ्रेंचाइजी ने जब से आईपीएल शुरू हुआ, 46% मैचेस में ये विन करती है। और टीम गुजरात की बात,
करें तो एक ही मैच खेला तो इनका 100% विनिंग बना हुआ है, तो ये आपके उत्तर काम नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और इस प्लेइंग 11 में आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे टीम सीफर्ट के साथ, जिसमें पृथ्वी शॉ की रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो लास्ट दो मैचेस से ठीक परफॉर्मेंसेस रहे, टीम सीफर्ट के आखिरी दो मैचेस उतने अच्छे नहीं रहे और मनदीप सिंह के लास्ट दो मैचेस अच्छे नहीं रहे। तो इस टीम से अगर आप देखें तो पृथ्वी शॉ एक काफी बढ़िया प्लेयर नजर आ रहे हैं, टीम सीफर्ट उतने रिलायबल नहीं है और मनदीप सिंह बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। ऋषभ पंत यहां से आते नंबर 4 पे, काफी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज, 33 का इनका एवरेज बनता है और रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो बाकी फॉर्मेट में काफी अच्छा करा, बट टी20 में उतना अच्छा फॉर्म अभी नहीं चल रहा, बट क्योंकि टॉप ऑर्डर मजबूत नहीं है तो ऋषभ पंत के अच्छे खासे बैटिंग आने के चांस होंगे, प्लस ये आपको विकेट कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट देंगे। इस मैच में काफी बढ़िया प्लेयर ये साबित हो सकते हैं, एक ऋषभ पंत और एक पृथ्वी शॉ, जिनसे मैं एक्सपेक्टेशन अच्छी करता हूं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। इसके बाद इनके पास ललित यादव हैं जो सामने वाली टीम के लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं और काफी बढ़िया हिटर भी है। फिर रॉबिन पॉविल आते हैं, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल आते हैं, इनका मिड ऑर्डर और डाउन ऑर्डर जो है ये काफी ज्यादा मजबूत है, यानी बॉटम ऑर्डर आप बोल सकते हैं, जिसमें अक्षर पटेल शार्दुल ठाकुर तक अच्छी खासी बैटिंग इनको मिलती है और दोनों के दोनों अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, प्लस बॉलिंग भी 4-4 ओवर करते हैं जिसमें से शार्दुल डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, तो इनका मिड ऑर्डर काफी मजबूत है। टॉप ऑर्डर में दो प्लेयर उतने मजबूत नहीं है, मनदीप और टीम सीफर्ट भी ठीक है, बट वही है कि उनका उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता नहीं है और पॉवेल का भी देखिए इंडियन सॉइल पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहता नहीं है। शार्दुल अक्षर से अच्छा एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, ललित भी अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे खलील अहमद, कुलदीप यादव और मुस्तफिजुर रहमान। इस मैच में हाई चांस है मुस्तफिजुर रहमान का खेलने का, रीसेंट फॉर्म देखे रहमान का तो ठीक ठाक फॉर्म से गुजर रहे, बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है बट आई थिंक अच्छा करेंगे इस मैच में। कुलदीप ने 3 विकेट निकाले पिछले मैच में, बट उसके पहले इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा था। खलील का फॉर्म भी देखिए 2 विकेट से पहले उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस टीम पे देखिए आप वैसे उतना रिलाय तो नहीं कर सकते, बट फिर भी मुस्तफिजुर रहमान एक काफी अच्छे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है तो इनको जरूर आप टीम में ले लीजिएगा। कुलदीप का थोड़ा सोच लीजिएगा क्योंकि अभी अभी फॉर्म में आए हैं, कैसा क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। खलील को आप टीम में ले सकते बट क्योंकि अब ये आ गए तो मुस्तफिजुर के साथ ये शार्दुल ठाकुर के साथ मुस्तफिजुर डेथ में गेंदबाजी करेंगे और खलील के डेथ ओवर्स के बॉलिंग के जो ओवर है वो कट सकते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होगी। मुस्तफिजुर की अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है और यहां से अक्षर शार्दुल की भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बेंच में बात करें तो ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, अगर इनमें से कोई प्लेयर खेल जाता है तो स्टैट आपके सामने देख लीजिए, अगर खेलता है तो उसको टीम में लेना नहीं लेना वो आप स्टैट बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अपोजिशन टीम की, गुजरात टाइटंस की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा शुभमन गिल ओपन करेंगे मैथ्यू वेड के साथ, दोनों ही काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं और टी20s में काफी अच्छा करते खास करके एज एन ओपनर। अगर हम बात करें शुभमन गिल की तो लास्ट मैच इनका अच्छा नहीं गया, बट लास्ट सीजन देखिए अपोजिशन टीम के खिलाफ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिए थे, 46 30 43 यानी कि एक भी मैच में 30 से कम नहीं लगाया। इस मैच में अच्छा एक्सपेक्टेशन इनसे आप कर सकते हैं, प्लस मैथ्यू वेड से भी टॉप ऑर्डर में अच्छा एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। नंबर 3 पर विजय शंकर आएंगे, जिनका फॉर्म पिछले 2 T20 मैचेस से उतना अच्छा नहीं चल रहा, बट ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना हो तो कर सकते हैं क्योंकि कुछ ओवर शायद बॉलिंग कर ले अगर टीम इनसे करवा ले, पिछले मैच में तो नहीं करवाई थी और बैटिंग कभी कभी अच्छी कर लेते हैं तो ग्रैंड लीग के हिसाब से ठीक है, बट स्मॉल लीग में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। मैथ्यू वेड शुभमन गिल को जरूर से जरूर टीम में ले लीजिएगा, बाकी विजय शंकर का आप होल्ड पे रखिए। नंबर 4 पे प्लेयर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो अभी पिछले मैच में 4 के 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए देखे और बैटिंग भी काफी सॉलिड करी थी, 33 रन बना दिए थे, तो यानी कप्तानी वाइज कप्तानी के अच्छे ऑप्शन होंगे। एक तो नंबर 4 पे इनकी बैटिंग एक्सपेक्टेड रहेगी, 5 पे भी हो सकता आ जाए, बट अच्छी बैटिंग पोजीशन इनको मिल रही है टीम में और इसके अलावा बॉलिंग 3 से 4 ओवर करेंगे तो कप्तानी के सेफ ऑप्शन हो जाएंगे। फिर आते हैं डेविड मिलर, 35 का एवरेज होता है इनका टी20 फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर देखें तो 5 नंबर थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट इतना भी लेट नहीं होता तो इनको टीम में ले सकते हैं। हेड टू हेड स्टैट देखेंगे तो आखिरी 3 मैच में एक बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिर राहुल तेवतिया की बारी आती है, बैकअप बैटिंग यहां से भी आपको मिलेगी। रिसेंट फॉर्म देखें तो लास्ट 5 मैच में 2 बार 40+ की स्कोरिंग है टी20s में और आखिरी 3 मैचेस में देखिए अपोजिशन टीम के खिलाफ 1 बार विकेट निकाला है, बाकी बैटिंग में अपोजिशन टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अभिनव मनोहर काफी डाउन बैट करने आएंगे, इंपॉर्टेंस कम है। फिर आते हैं राशिद खान, लॉकी फर्गंसन, वरुण अरुण और मोहम्मद शामी, जिसमें मोहम्मद शामी प्रॉपर डेथ गेंदबाज हैं जो लॉकी के साथ डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए। वरुण के मे बी पॉसिबल की शुरुआत में भी ओवर खत्म हो जाए, हालांकि लास्ट मैच में इनको 20वां ओवर दिया गया था और राशिद खान तो कंप्लीट 4 ओवर करने के लिए जाने जाते हैं और करेंगे ही, प्लस बैटिंग बैकअप देंगे। इनका फॉर्म काफी बढ़िया है, हेड टू हेड में हर बार अपोजिशन के खिलाफ विकेट निकाला है और लॉकी ने भी सेम टू सेम ऐसा ही किया है। वरुण अरुण को देखिए आखिरी 3 मैचेस में अपोजिशन टीम के खिलाफ कभी विकेट नहीं मिला, शमी को भी देखिए उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लास्ट 3 मैच में सिर्फ 2 बार विकेटें मिली है, बट शमी आपको जरूर टीम में लेने हैं, लॉकी स्टैट बेस पे लेने हैं और राशिद को भी लेना है। 3 बोलर्स पे मैं फोकस करूंगा, अरुण को छोड़ो, अभिनव मनोहर को छोड़ो। इसके बाद बात करते हैं बेंच में तो प्रदीप है आपके पास, जयंत है, वृद्धिमन शाह, गुरकीरत सिंह है, जिनके स्टैट आप देख सकते हैं, अगर इनमें से कोई प्लेयर खेलता है तो स्टैट बेस पे उसको टीम में ले सकते हैं। बाकी बेंच प्लेयर्स के भी आप यहां से
स्टैट वगैरह देख सकते हैं, जिसमें यश दयाल एक काफी बढ़िया बॉलर है और यहाँ भी बाकी प्लस के स्टैट आपके सामने है। आगे हम बात कर लेते हैं डेथ ओवर्स की, तो देखिए जीटी की तरफ से वरुण एरोन, लॉकी फर्गसन, मोहम्मद शमी, इन लोगों ने पिछले मैच में डेथ में गेंदबाजी करी थी। बट अगर आप मुझसे पूछे प्रॉपर डेथ गेंदबाज, तो मोहम्मद शमी और लॉकी फर्गसन, इनको डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए, वरुण के कभी भी ओवर्स डेथ से कट सकते हैं। वही हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो अब मुस्तफिजुर रहमान आ गए हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए, मोस्ट प्रॉबली इनका साथ शार्दुल ठाकुर देंगे और खलील के ओवर्स डेथ में कट जाएंगे। तो यहां से खलील अहमद और वरुण एरोन के कभी भी डेथ में ओवर कट सकते हैं, मुस्तफिजुर शार्दुल को प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए और फर्गसन शमी को यहां से डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारी फैन टू प्ले टीम की, जो मैंने आपके लिए बनाई है। मैंने अपने कैप्टन चूज करे हार्दिक पांड्या, जो चार ओवर पूरे कंफर्म कर रहे हैं, बैटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अक्षर पटेल को लिया है, बैटिंग बैकअप देंगे, चार ओवर कंप्लीट करेंगे, अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर आते हैं राशिद खान, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्गसन, तीनों को टीम में लिया है और मुस्तफिजुर रहमान और शार्दुल ठाकुर को लिया है। आप चाहे तो खलील को भी ले सकते हैं, बट अभी मैं शार्दुल और मुस्तफिजुर के साथ जा रहा हूं। बैटिंग सेक्शन में मैंने पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल को लिया है और विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत और मैथ्यू वेड को लिया है। कप्तान है मेरे हार्दिक पांड्या और वाइस कप्तान है मेरे ऋषभ पंत। आप भी इसी टीम के साथ फैन टू प्ले पे खेल सकते हैं या फिर चाहे तो अपने हिसाब से एक दो चेंजेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आई होप कि आप लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट वगैरह खेल लोगे फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा करते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल होगा वो देखने जा सकते हो, जिसमें आपको मैच टिकट्स मिलेंगे, फ्लाइट टिकट्स मिलेंगी और होटल में स्टे भी मिलेगा अगर आप टॉप 3 में रहते हो उनके लीडर बोर्ड में। चार बार ये लीडर बोर्ड बनाएंगे, यानी 26 मार्च से 9 अप्रैल यानी 15 दिन के आसपास का ये लीडर बोर्ड है। इसके बाद फिर 2-3 लीडर बोर्ड और आएंगे, 3 और आएंगे, यानी टोटल 4 लीडर बोर्ड में आपको मौका मिलेगा फाइनल देखने का। बाकी भी आप प्राइजेस देखिए, काफी अच्छे प्राइजेस फैन टू प्ले ऑफर कर रही है, यानी कि अगर आपकी रैंक 1-2-3 नहीं आती तो उसके बाद भी कैश प्राइजेस में काफी ज्यादा प्राइज आपको मिल रहा है। तो गाइस वीडियो को यहां पर करेंगे खत्म। जिन लोगों ने फैन टू प्ले एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, रेफर कोड FX जरूर लगा दीजिएगा ताकि आपको बोनस, फ्री एंट्रीज और गिव अवेज वगैरह मिलते रहे। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर हम आपको अपडेट वगैरह देते हैं मैच प्रेडिक्शंस वगैरह की। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।